हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 9 के बारे में, एंड्रॉयड के नए वर्जन के बारे में। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो फाइनली दूर हुई है क्योंकि गूगल ने सारी डिटेल्स दे दी हैं एंड्रॉयड 9 को लेकर। और यहाँ पर जो नाम निकल कर आया है एंड्रॉयड 9 का, वो है एंड्रॉयड पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है और इसके फीचर्स भी इंटरेस्टिंग है, और हम जानेंगे इन फीचर्स के बारे में इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। तो दोस्तों, एंड्रॉयड के इस नए वर्जन एंड्रॉयड पाई के अंदर जो मेन चीज़ें, जो मेन फीचर्स निकल कर आए हैं, वो सब डिपेंड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और सारे जो फीचर्स यहाँ पर काम करेंगे वो एआई के ऊपर ही काम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या फीचर्स आपको यहाँ पर। तो दोस्तों, पहला जो फीचर आपको यहाँ पर मिलता है वो है एडेप्टिव बैटरी का। इसमें होगा ये कि आपका फ़ोन रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी ऐप जो हैं वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं और कौन सी ऐप आप कम यूज़ करते हैं। तो जो ऐप आप कम यूज़ करते हैं उनको बैटरी दी जाएगी कम, उससे आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी सेव होगी और आप फ़ोन को ज़्यादा चला पाएंगे। तो दूसरा जो फीचर आपको मिलता है वो है एडेप्टिव ब्राइटनेस का। तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन सभी फ़ोन में आपको मिलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार हम मैनुअली ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से। तो जब हम ऐसा करेंगे, फ़ोन उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, आपके यूसेज पैटर्न को रिकॉर्ड करेगा, और अगली बार वो ब्राइटनेस आपको मैनुअली चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगी। तो यही है एडेप्टिव ब्राइटनेस। एक और जो अच्छा फीचर आपको मिल रहा है वो है ऐप एक्शन का। इसमें होगा कि आपके यूसेज के हिसाब से फ़ोन आपको सजेस्ट करेगा ऐप। सपोज़ आप अपने फ़ोन में हेडफोन लगाते हैं, और हेडफोन लगाते हैं आप पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपनी गैलरी खोलते हैं और वीडियोस देखते हैं। तो उस चीज़ को फ़ोन सेव कर लेगा, और अगली बार जब आप हेडफोन लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस ऐप को सजेस्ट करेगा, आपकी गैलरी को सजेस्ट करेगा, आप वन क्लिक में उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी जगह इस ऐप एक्शन को फीचर को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐप्स आपको सजेस्ट की जाएंगी आपके यूसेज के हिसाब से। एक और जो फीचर यहाँ पर अपडेट दिया गया है वो है स्लाइसेस। इसमें होगा ये, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर, अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, सपोज़ आपने सर्च करा ओला, तो आपको सजेशन शो हो जाएगा कि आप एक क्लिक में ओला को बुक कर सकते हैं, और आपको ओला की टाइमिंग्स, रेट्स वगैरह उस पॉपअप में ही शो हो जाएगी। तो आप बहुत ईजिली ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं बिना उस ऐप को आप खोले। और जो यहाँ पर मेन अपडेट है इस एंड्रॉयड के वर्जन में, वो है यूज़र इंटरफेस को लेकर। यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी बनाया गया है। जो जितने भी नेविगेशन बटन थे उन सबको हटाकर आपको सिर्फ एक सिंपल होम बटन दिया जाएगा, और यहाँ पर सारा काम लिया जाएगा गेस्चर्स के थ्रू। आप एक स्वाइप में सारे ऐप्स देख सकते हैं जो आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, और नेविगेट कर सकते हैं ईजीली। अगले जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो डिजिटल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए, और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। तो इस बार गूगल ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है, और यहाँ पर आपको फ़ोन में डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी ऐप कितनी टाइम तक यूज़ करी है, टोटल आपने कितनी बार अपने फ़ोन को खोला है, कितना आपने फ़ोन यूज़ करा है, कितने आपको नोटिफिकेशन आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगी, ताकि आप पता कर सकते हैं आप कितना अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, और आप लिमिट सेट कर सकते हैं अपनी ऐप्स में। तो सपोज आपने एक लिमिट सेट कर ली कि मैं YouTube को एक घंटे देखूं, तो YouTube की एक ऐप जो आप एक घंटे यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद वो ऐप हो जाएगी डिसेबल, ग्रे आउट हो जाएगी वो ऐप, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इसकी लिमिट तक इसे यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी ऐप में लिमिट सेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा टाइम ना दें जिससे आपकी हेल्थ पर अफेक्ट हो। और इसी डिजिटल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए एक और जो फीचर यहाँ पर आया है वो फीचर है आपका विंड डाउन। उसमें होता यह है कि आप अपने शेड्यूल सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपका बेड टाइम क्या है। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है जब आप सोने जाते हैं, आप सोचते हैं 5 या 10 मिनट के लिए आप फ़ोन चला लें, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता, कब 2 मिनट 2 घंटे में निकल जाते हैं और आप अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फीचर बनाया गया है। इसमें ये होगा, सपोज आपने टाइम सेट करा है, तो उस टाइम पर आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो हो जाएगी ब्लैक एंड वाइट। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हो जाएगी तो आपको ज़रूर ध्यान आ जाएगा कि ये आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको फ़ोन अच्छा नहीं लगेगा। तो उस तरह से आप अपना यूसेज कम कर सकते हैं फ़ोन का, इस चीज़ को गूगल ने सोचा है, और ताकि आप अपना कम टाइम स्पेंड करें फ़ोन पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास है गूगल पिक्सल तो आप ये अपडेट उसमें यूज़ कर सकते हैं, इस एंड्रॉयड वर्जन को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी फोन्स के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये अपडेट्स आ पाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, फीचर्स भी आपको पसंद आए होंगे। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज़ जो आपको पसंद है और आपके काम भी आए। दोस्तों, मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।